जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सबसे जरूरी बात क्या, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ, एक पार्सल अभी मुझे रिसीव हुआ है इसकी अनबॉक्सिंग से। तो चलिए देखते, इसमें है तो छोटी चीज पर बहुत ही कमाल की। ये समझिए कि ये चीज मस्त होनी चाहिए हम सबके पास। कई बार सोचा मंगाने के लिए तो, लेकिन ये रहता था कि आलस में या फिर आएंगी चीज़ें, तो उस वजह से ये चीज़ें मंगा नहीं पाती थी। तो इस बार सोचा कि मंगा ही लूँ, तो आप लोग भी देख के समझ ही गए होंगे होगा है क्या ये। तो ये है कोम कंघियाँ, पर ये कोई साधारण कंघी नहीं है, ये है नीम की कोम, नीम की, प्योर नीम की वुड से ये कंघियाँ बनी हुई हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये होता है कि हमेशा जो हम लोग को सर्दियों में बच्चों को भी हल्के फुल्के डैंड्रफ वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो और बच्चे इतना प्रिकॉशन लेते नहीं हैं, तो एटलीस्ट ये जो है ये कंघी उन सारी चीज़ों में इतनी हेल्प। और ये मैंने सेट मंगाया है तो मुझे इसमें एक दो, और पैकिंग काफ़ी अच्छी है खोलने का अपना एक वो होता है। देखिए ये छोटी वाली विधि है, बढ़िया है। तो इसको कर लेते हैं कट पहले। अच्छा नहीं, इसमें ही आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें पेयर है चार का, क्योंकि कोम सबकी, जैसे टावल अलग अलग होती है वैसे घर में कोम जो कंघी होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है, तो चारों सबको हो जाएंगी। एक मेरी, एक बेटी की, एक बेटे की और एक हस्बैंड की। तो ये मस्त है, नीम की कोम है। छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं, डैंड्रफ होते हैं, हेयर लॉस में बहुत इफेक्टिव होती है, मतलब हल्का फुल्का जो माइनर सा आने लगता है, तो अगर कोई ऐसा हमारे बालों में, तो ये मतलब बालों में भी अच्छी खासी लग रही है। ऐसा होता नहीं कई बार कंघी हम लोग लेते हैं तो लगती नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लोग भी चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज ठंडियों में अक्सर ऐसा होता है ना, ठंडी बहुत पड़ रही है, और ठंडियों में ऐसा होता है कि लगभग जो साउथ इंडियन डिशेस होती है जैसे इडली डोसा उत्तपम वगैरह, हम लोग बनाना अधिकतर बंद कर देते हैं क्योंकि चीज़ें फर्मेंट नहीं होती हैं। और लेकिन जो हम इंस्टेंट इनो वगैरह डाल के, उसका टेस्ट अलग है, और इसका जो हम लोग फर्मेंट करके बनाते हैं इसका टेस्ट, और अभी तो इतनी फ्रेश वेजिटेबल्स आ रही है कि कई चीज़ें तो मस्ट बनाना ही चाहिए, उसी बहाने साउथ इंडियन के बहाने बच्चे वो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, सर्दियों में भी एक बैटर से आप ये सारी चीज़ें बिना किसी डर के आराम से अच्छे से बना सकते हैं। और बैटर एक ही है, प्रिपरेशन एक ही है, बट उससे आप इडली भी बनाइए, आपकी मर्ज़ी हो डोसा बनाइए, आपकी मर्ज़ी हो उत्तपम बनाइए, आपकी मर्ज़ी हो अप्पे बनाइए, जो आपका दिल करे एक बैटर से। और फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंट करने के लिए जो छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ये साउथ इंडियन आप नहीं बनाते हैं ठंडी में, आप बनाना स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटी छोटी स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स से आप किसी भी सीजन में अच्छे से साउथ इंडियन डिशेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है, आप चाहें तो कोई कटोरी या कोई कप, मेजरमेंट के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसी से ही हम प्रॉपर सारा मेजरमेंट लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने मोटे वाले वाइट राइस ले लिए हैं, आप कोई भी चावल मोटा ले सकते हैं। इस ग्लास के मेजरमेंट से मैं यहाँ पे दो भर के एकदम ग्लास ले रही हूँ चावल का, मतलब आप अगर कटोरी ले रहे हैं तो दो कटोरी चावल ले लीजिए, अगर आप कोई और मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये यहाँ पे धुली हुई उड़द की दाल जो जाती है इसमें, तो एक ग्लास यहाँ पे मैंने धुली हुई उड़द की दाल ले ली है। फिर इसको अच्छे से पानी डाल के, जो भी पीने वाला पानी आप यूज़ करिएगा क्योंकि ये पूरा सोक करता है, तो वहाँ पे मैं छोड़ दिया है लगभग 8 से 9 घंटे के लिए। उसके बाद शाम को जब हम इसे वॉश करना है उसके लगभग 1 घंटे पहले हमें लेना है पोहा। फर्मेंटेशन का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो जितना ग्लास आपका चावल आप लोगे उतना ही मुट्ठी आप पोहा यहाँ पे लोगे। तो मैंने 2 ग्लास चावल लिया है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी पोहा ले लिया है जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया है। अब 1 घंटे के बाद जब हम सारी जो भी हमने दाल और चावल भिगो रखा है उनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे।
फिर ये देखिए हमने जो भी हमारा चावल वगैरह अच्छे से वॉश करने के बाद जो पोहा हमने भिगो रखा था उनको मैंने दोनों बर्तनों में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि दोनों में इक्वली हम उसको अच्छे से पीस सके। सेकेंड ट्रिक ये है कि जब भी आप विंटर सीजन में हम जिस भी बर्तन में रखेंगे वो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास बड़ा हॉटकेस है घर में तो हॉटकेस लीजिए, इससे फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा सा हॉटकेस है घर में स्टील वाला, तो ये मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास छोटे छोटे दो तीन है तो उसमें भी आप आराम से ट्रांसफ़र कर दीजिए, या कोई एयर टाइट या टाइट ढक्कन वाला स्टील का बर्तन यूज़ करिए, या जो भी आपके पास बड़ा बर्तन टाइट हो एकदम। और जो भी पानी हम बैटर में पीसने के लिए यूज़ करेंगे वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, मतलब गर्म नहीं, एकदम माइनर सा गुनगुना पानी। ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को विंटर सीजन में बूस्ट करता है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में आप आराम से बैचेस में, दो बैच तीन बैच जितने में आपका पीसता है ले लीजिए पीसने के लिए। तो यहाँ पे वही मैं दो तीन बार जो भी था लेके जार में अच्छे से पीस लिया। और ये देखिए एकदम इसे हमें ना ही बैटर को ज़्यादा थिक करना है ना ही ज़्यादा पतली, क्योंकि इसी एक बैटर से हम सारी डिशेज अपनी रेडी करेंगे। तो बाद में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके अगर हमें और पतला बैटर चाहिए तो हम बना लेंगे। ऐसे ही करके मैंने सारी शिफ्ट वाइज जो भी हमारा ये चीज़ें थी, चावल और दाल ये सारी चीज़ें, इसको लेके शिफ्ट वाइज अच्छे से एकदम फाइन पीस लिया था, एकदम बारीक। आपको एकदम अच्छा सा पेस्ट बना लेना, एकदम क्रीमी सा पेस्ट जो होता है उस तरीके का पेस्ट। और इसमें थोड़ा थोड़ा आप जितना आपको लगे थोड़ा थोड़ा पानी देख के ऐड करिएगा, नहीं तो पानी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये देखिए हमारा सारा बैटर एकदम रेडी है, एकदम क्रीम सा लग रहा है। तो इसमें अब एक ट्रिक क्या है कि सारा बैटर एक उसमें डालने के बाद बर्तन में आपको इसको अच्छे से चलाना है ताकि इसमें हल्के हल्के ऊपर आपको बबल्स दिखाई देने लगें। इसके बाद इसको फर्मेंट होने के लिए प्लेस चाहिए, तो मैंने क्या किया कि एक दूसरा भी हॉटकेस मेरे पास था तो उसमें मैंने क्या किया आधा बैटर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया ताकि दोनों को स्पेस मिल सके और दोनों अच्छे से फर्मेंट हो सके। और ये देखिए सबसे बड़ा ट्रिक होता है कि जो बड़ा बर्तन था उसको क्या किया मैंने, अच्छे से शॉल वगैरह उड़ा दीजिए, जो भी गर्म आपके शॉल चद्दर है उड़ा के, और ऐसे लॉकर या अलमारी जो होती है ना जहाँ पे ज़्यादा हवा वगैरह ठंड वगैरह नहीं पहुँचती है कपड़ों के बीच में, तो वहाँ पे रख दीजिए। तो फिर दूसरे दिन सुबह मुझे बनाने थे इसी बैटर से, मुझे आज प्रिपेयर करना था उत्तपम, वो भी ढेर सारी सब्जियाँ ठूस ठूस के। तो मैंने वही सब्जियाँ फ्रिज में देखी कि क्या क्या सब्जियाँ मुझे चाहिए, तो वो सारी सब्जियाँ लेके, और ठंडी में ये आंगन का तो बहुत ही मज़ा है कि इस आंगन में बैठ के जब तक धूप आ रही है थोड़ी बहुत, तो आप सारा मॉर्निंग का अपना काम कटिंग चॉपिंग जो भी करना है आराम से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली थी सब्जियाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो बड़े प्याज, तीन गाजर, बीन्स हो गया, और ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च हो गई, ये आपको जितना डालना है। फिर थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी भी लेयर वाइज निकाल निकाल के उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि उसमें, क्योंकि पत्ता गोभी को बहुत संभाल के वॉश करिए क्योंकि उसमें कई कीड़े वगैरह होने का डर होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर से वॉश करने के बाद मैं लेके आ गई फिर से आंगन में और धूप का आनंद लिया, और सारी चीज़ें जो थी चॉपर में डाल डाल के अच्छे से एकदम बारीक सा मैंने सबको चॉप कर लिया था ताकि बच्चे पहचान ही नहीं पाए कि है क्या ये सब्जियाँ, मम्मा ने डाला क्या है, मेरी फेवरेट तो नहीं है। अब इन सारी वेजिटेबल्स को रख देंगे साइड में और हमारी प्रिपेयर करेंगे उत्तपम के साथ एकदम, मैं क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी चटनी, कोकोनट, इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ पे चटनी का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था और ले ली थी यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली, क्योंकि मैं एक पूरे नारियल की चटनी बना रही हूँ। तो ये देखिए हल्का सा मूंगफली को मैंने फ्राई कर लिया, फिर एक बड़े नारियल तोड़ के उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, जितना छोटा आप कर पाएँ उतना अच्छा है। मिक्सर जार में सारे नारियल को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे, इसमें डाल देंगे जो हमने मूंगफली भुनी थी उसका छिलका निकाल के वो ऐड कर देंगे, फिर डालेंगे दो बड़े चम्मच भुनी हुई जो चने की दाल मिलती है वो, तीन लहसुन की कलियाँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ तो मैंने तीन ऐड की थी, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाली हूँ इमली का पल्प, आप चाहें तो इसकी जगह छोटा सा इमली का टुकड़ा डाल दीजिए, और इस पल्प में नमक ऑलरेडी होता है इसीलिए मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है। फिर डालेंगे हम ये लाल मिर्चियाँ, ये मिर्चियाँ वो हैं जो हम हरी मिर्ची रखते हैं ना उसमें बीच बीच में दो तीन मिर्चियाँ लाल ऐसे हो जाती हैं, यही इस चटनी की असली जान है। इसमें आप हरी मिर्ची ज़्यादा नहीं डालेंगे, ना ही आप तीखे के अनुसार डाल लीजिए, और
अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए। तो ये देखिए एकदम हमारी चटनी रेडी है। आप सारी चटनी खाना भूल जाएंगे, एक बार इस तरीके की ये चटनी रेडी करके देखिए। सारा आप कोई भी डिश बनाएंगे तो आपके बच्चे यही चटनी मांगेंगे। तो उसके बाद हमें लगाना था चटनी में अच्छा सा तड़का। ले लिया मैंने तड़का पैन, उसमें डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, कड़ी पत्ते, और इसको हम दे देंगे चटनी में अच्छा सा तड़का। तो बस हमारी चटनी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब चटनी भी रख देंगे साइड में। एक बोल में जो हमने सब्जियां सारी बारीक चॉप की हैं उसको मैंने ले लिया, सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें ऐड किया हम थोड़ा सा ठंडी की जान, जिसे कहीं भी डालिए उस चीज़ में जान ही आ जाती है, धनिया पत्ते। उसके बाद हम एकदम सीक्रेट मसाला बनाएंगे हमारे उत्तपम के लिए। हम मैंने यहाँ पे ले लिए कम से कम 3 बड़े चम्मच, ये हैं सांभर पाउडर। उसके बाद ऐड किया एक चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच आप अपने स्वाद के अनुसार, लगभग 1.5 चम्मच के लगभग मैंने नमक ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को कर लीजिए मिक्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरा डोसा या उत्तपम बनाने का तवा था तो वो हो चुका है ख़राब। तो हमने मैंने लिया है अभी रिसेंटली ये वाला फ्यूचरा का नॉनस्टिक ये वाला तवा मंगाया है। तो देखते हैं, अभी तक फ्यूचरा ये वाला नहीं यूज़ किया है मैंने, और किसी ब्रांड का था, तो क्या रिज़ल्ट निकलता है। और मस्त होता है कि भाई नॉनस्टिक एक तवा तो होना ही चाहिए, क्योंकि उत्तपम डेली बेसिस पे इसकी ज़रूरत चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, ऑल ओवर सीजन लगती ही रहती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और तो ये आपको मैं बता दूं कैसा ये है, 28 सेंटीमीटर्स का डायमीटर है और 4.88 mm इसकी थिकनेस है। तो ये डोसा तवा है फ्यूचरा का नॉनस्टिक। तो बस तो जल्दी से लेके चलते हैं, सबको लगी है भूख, क्योंकि आज लंच में हो गया थोड़ा सा। जब बच्चे उसके सब घर पे रहते हैं ना तो खुशी भी भूल जाती है। तो ये अच्छी खासी इसकी जो पैकिंग है काफी अच्छी है, इस तरीके से ये ऐसे पैक है पूरा। ये देखिए देखने में इस तरह है, ये अच्छा खासा हैंडल है इसका। अब देखते हैं यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे गए हैं, इसकी क्वालिटी वगैरह, 2 ईयर्स की वारंटी वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं। तो चलिए जल्दी से यूज़ करते हैं, और कुछ टाइम हो जाएगा यूज़ करने तब मैं इसका रिव्यू आपको दे सकती हूँ कि इसकी क्वालिटी वगैरह क्या है। चलिए एक ये स्क्रब और एक ये इसका स्पैचुला वुडन और ये इसकी बुक। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमने बैटर हमारा रेडी हो चुका है और ये एकदम ऊपर तक फर्मेंट हो चुका है। गर्मी में जैसे होता है आप देख लीजिए खुद ही कि एकदम फर्मेंटेशन जो है इस बैटर का एकदम परफेक्ट है। इसको मैंने आज आधा घंटे के लिए धूप में भी रख दिया था, तो मुझे जितना बनाना है वो मैंने अलग बड़े बर्तन में निकाल लिया यहाँ पे, और बाकी मैं रख दूंगी अब फ्रिज में। तो इसमें जैसे हम मुझे आज उत्तपम बनाना है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड, क्योंकि हमने थोड़ा सा थिक बैटर किया है, तो हल्का सा पानी ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा नमक। फिर नए तवे पे को एक बार अच्छे से मैंने ऑयल से, अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया, क्योंकि तवे को आप जितना थोड़ा सा तेल स्टार्टिंग में देंगे ना उतना ही अच्छा नॉनस्टिक का तवा आपका चलता है। तो फिर मैंने 2 बड़ी कलछी यहाँ भर के डाला है, क्योंकि उत्तपम थोड़ा सा थिक ही होता है, और उसके ऊपर ढेर सारी सब्जी जितनी आपको खानी है, जितनी खिलानी है बच्चों को, क्योंकि बच्चे इसमें को उनको बस अच्छा वाला टेस्ट आने वाला। फिर ऊपर से हमने डाल दिया हमारा सीक्रेट उत्तपम मसाला। सारी सब्जियों को उसमें हल्का सा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पलटने पे गिरने का डर होता है, और चेक करते रहिए पीछे, जब अच्छे से हो जाए तो फिर उसे अच्छे से पलट दीजिए। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म, मतलब ठंडियों का उत्तपम, ठूस ठूस के इसमें सब्जियां भरी हैं, एकदम रेडी है, एकदम परफेक्ट। चटनी चटनी वहाँ साइड में, मैं भी यहाँ पे रखने ही भूल गई थी तो चटनी वहाँ साइड में है, एकदम परफेक्ट चटनी।
और ये मैं निकाला, मैंने सबसे पहले मेरी बेटी को जोर से भूख लगी थी तो उसके लिए उसको दे दिया। फ्रेंड्स ये जो क्लिप है हल्की सी, ये दूसरे दिन मॉर्निंग की, जब मैं टिफ़िन में बच्चों के लिए बना रही थी यहाँ पे मसाले फ्राई इडली मसाला वाली, तो ये देखिए इडली भी बनाइए, सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली आती हैं कि आप इसको। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को बहुत ही मदद करेंगी विंटर में भी सारी साउथ इंडियन डिशेज़ बनाने के लिए। तो इस तरीके की और जानकारी के लिए, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा।